धनु राशि वाले इस बात को समझ लें कि किसी भी दिशा में प्रयास किया जाए तो उसका अच्छा फल जरूर मिलता है। और इस समय आपकी कोशिशें तो आपकी जिंदगी में चार चांद लगा सकती हैं। मन में बिठाई हुई उलझनों के बावजूद आपने बहुत कुछ संभाल लिया है। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? किसी जमीन जायदाद में पैसा लगा सकते हैं या लाभ के रूप में वहां से पैसा आ सकता है। प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई भी फैसला आपके लिए अनुकूल हो सकता है। क्या ना करें इस सप्ताह में? सिर्फ ये ना सोचते चले जाएं कि लोग आपके खिलाफ, क्योंकि ऐसा करने से आप अपनी मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। वैसे भी पैसे से जुड़े किसी मतभेद में ना पड़े, कहीं ऐसा ना हो कि आपका पैसा कहीं मुश्किल में ही पड़ता चला जाए। कामकाज से जुड़ी स्थिति ठीक है, पर कई तरह के मानसिक दबाव झेलने पड़ सकते हैं, और उसका समाधान एक ही है कि आप अपने काम में तवज्जो बनाए रखें। इसी से बहुत सारी चीजों को संभालने में मदद भी मिल सकती है। घर परिवार से जुड़े रिश्ते सुकून दे रहे हैं, पर कोई प्यार का रिश्ता मुश्किलों के दौर से गुजर रहा है। इच्छाएं भी पूरी नहीं हो रही और अविश्वास भी बनता चला जा रहा है, इसलिए थोड़ा सा संयम बनाए रखने की जरूरत है। मकर राशि वाले ही समझ लें कि लोगों का सहयोग आपके लिए बहुत बड़ा काम कर रहा है। उससे आपका भरोसा भी जग रहा है और आपकी आर्थिक स्थिति भी बेहतर हो रही है। पर सबसे बड़ा फायदा ये हो रहा है कि आप मेहनत कर पा रहे हैं। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? अपनी मेहनत से कामकाज से जुड़े सारे दबाव संभाले जा सकते हैं। किसी यात्रा या बदलाव का विचार भी है मन में, पर उसे फिलहाल स्थगित किया जा सकता है। पर बदलाव से जुड़ी इच्छाएं बहुत है मन में। क्या ना करें इस सप्ताह में? किसी भी तरह के फैसले में अपनों का सहयोग मिलने में कमी हो सकती है। शायद लोग आपकी बात को समझ नहीं पा रहे, पर उन पर इतना भी दबाव ना बनाएं कि उसका बुरा असर रिश्तों पर आता चला जाए। पैसे की स्थिति ठीक है, पर घर परिवार में अपनों के लिए आपको बहुत कुछ करना है। अगर अपनी या अपनों की शादी ब्याह का विचार है तो उसमें भी पैसा लग सकता है। रिश्ते संभले हुए हैं और कोई प्यार का रिश्ता अपनी मंजिल की ओर बढ़ सकता है, पर परेशानी यह है कि छुटपुट विचारों का मतभेद बना रह सकता है, जिसके चलते घर परिवार में घुटन सी बनी हुई है। किसी ऐसे व्यक्ति को नाराज ना करें जो परिवार का मुखिया हो या आपकी जिंदगी में बहुत अहम हो। तो जिंदगी में कोई अहम व्यक्ति या कोई अहम रिश्ता नाराज ना हो इस समय, इस पर आपको नजर रखनी है, क्योंकि उससे आपको झटका लग सकता है। और ऐसा नहीं करेंगे आप, क्योंकि हमने आपको पहले से ही बता दिया है कि आप ऐसा ना करें। आइए सवाल एक और ले लिया जाए। अभय कुमार, आपका सवाल अब आ रहा है हमारे सामने। 10/11/2002 9 बजे रात में जन्म हुआ है, जहांगीरपुरी, गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश। अपने करियर को लेकर परेशान है सर, सक्सेस नहीं मिल पा रही इनको अपने फ्यूचर में। 2 बार NEET में अपेयर हो चुके हैं, लेकिन सही स्कोर नहीं कर पा रहे। तमाम मेहनत के बावजूद कमी कहां पर है और कुंडली क्या कहती है? अभय, आपकी कुंडली है जी मिथुन लगन की और मकर राशि की। आपकी महादशा चल रही है जी राहु की और अंतरदशा चल रही है बृहस्पति की, December 2024 का। 2 बार आपने नीट का एग्जाम दिया, मेडिकल एंट्रेंस का। पढ़ाई का चार्ट ही आपका देखना है। कैरियर की बात आपने की है वो व्यर्थ है, क्योंकि कैरियर तो बहुत दूर है। और पढ़ाई में अगर मन लग जाएगा तो कैरियर खुद ब खुद बन जाएगा, तो कोई कमी भी नहीं रहेगी। कमी यह है कि आपका पढ़ाई में मन नहीं। अच्छी बात यह है कि आपने कोशिश की है, पर अनमने मन से की है। पूरा मन नहीं होता तो फिर वो हाफ हार्टेड एक अटेम्प्ट होता है, वो आपने किया है। पर 2023 से आपका पढ़ाई में मन लग सकता है और वो समय आपको मिलेगा अब से समझ लीजिए 2.5 साल, 2024 के अंत तक। तो कोशिश ये आपको करनी पड़ेगी कि आप कोई भी ग्रेजुएशन कर लें इस दौरान, ताकि 2025 से आपका कैरियर बन जाए। इसमें जितना आप देरी करेंगे फिर वो पढ़ाई का समय खत्म हो जाएगा 2024 के एंड में, इसलिए अभी आपको कोई भी ग्रेजुएशन करनी है। तो अभी आपको जो समय मिल रहा है उसमें ग्रेजुएशन करना है, क्योंकि जो समय आपका है वो है अब से 2.5 साल बाद, यानी 24 के अंत तक। तो समय को वेस्ट नहीं करना है, ग्रेजुएशन कर लेना है। बाद में जो अच्छा समय आ रहा है, जब आपका ध्यान भी लगता दिखाई दे रहा है, तब उस समय का आप सही ढंग से उपयोग कर पाए अपने करियर की दिशा में। आगे बढ़ते हैं। कुंभ और मीन राशि, देखिए समय वही है सबके सामने, उतने ही घंटे हैं, उतने ही सेकंड हैं। कैसे आप अपने समय को सही ढंग से साधते हैं, कैसे सही ढंग से सही समय पर सही काम करते हैं, इस पर तय होती है सफलता या असफलता। असफल हम आपको होने नहीं देना चाहते और सफलता के सूत्र आपको दे रहे हैं ज्योतिष गुरु।
कुंभ राशि वाले समझ लें कि कोई भी भावुक व्यक्ति ही अपनों का ख्याल रखता है, इसलिए ऐसे लोगों में अच्छाई भरपूर होती है, पर अति भावुक होने की अपनी ही परेशानी। क्या करना चाहिए सप्ताह में? बहुत ज्यादा सोचेंगे तो मुश्किलें पैदा होंगी, और मुश्किलें पैदा होंगी तो आप गलती करते चले जाएंगे, और ये समय भी ऐसा है जो आपसे गलती करवाता चला जाए। लोगों का सहयोग मिलने में भी कमी हो सकती है। क्या ना करें इस सप्ताह में, आपके अपने भी इस समय आपको समझ ना पाए ऐसा बहुत हद तक संभव है, इसलिए विचार विमर्श करना होगा, पर अपनी बात इस रूप से ना कहें जिसे आप ही की गलती के रूप में देखा जाए। किसी बहस को किसी परेशानी में परिवर्तित बिल्कुल ना होने। काम और कारोबार की स्थिति अच्छी है, उसका एक बड़ा कारण यह है कि आप अपनी मेहनत से अपनी परेशानियों को दूर करने के लिए सक्षम। जो पहले आपके मन में असंतोष था उसे भी आप धीरे धीरे दूर करते चले जा रहे हैं, पर फिर भी आपको कोई ऐसा बड़ा कदम उठाने से बचना है जिसका बुरा असर आपकी आर्थिक स्थिति पर पड़े। कोई प्यार का रिश्ता प्रबल है, क्योंकि आपकी इच्छाएं बहुत केंद्रित हैं। ऐसा लगता है जैसे आपने फैसला कर लिया है, पर मुश्किल यह है कि आपने इस प्रयास में अपनों को दूर भी कर लिया है। घर परिवार में आपके अपने आपका साथ नहीं दे रहे, और यही इस समय की सबसे बड़ी परेशानी। मीन राशि वालों का मन उचाट है और कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। खर्चे भी बड़े हुए हैं और रिश्तों को भी संभालना कठिन होता चला जा रहा है। इसी बात में बहुत बड़ा मार्गदर्शन छुपा हुआ है कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में, अपनी सूझबूझ बनाए रखनी होगी, पर साथ ही साथ अपनी विनम्रता भी बनाए रखनी होगी। प्रतिकूल परिस्थितियों में आपका व्यवहार सख्त होता चला जा रहा है, और ये इस समय की सबसे बड़ी कमी है। क्या न करें इस सप्ताह में, काम और कारोबार में भी ऐसा न सोचते चले जाएं कि सब कुछ ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके बढ़ते हुए खर्चों का असर भी आपके कामकाज पर पड़ सकता है। ऐसा नहीं कहना चाह रहा कि पैसे की कमी है, पर पैसे का उतार चढ़ाव भी उतनी ही परेशानियां दे सकता है। अपनों की सेहत को लेकर आप चिंतित हैं, बच्चों की चिंता भी हो सकती है, पर बदलता हुआ दौर है और बहुत जल्द सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप अपनी ही धुन में बहुत कुछ करते चले जा रहे हैं और कहते भी चले जा रहे हैं, और आपको लग रहा है कि सब कुछ सही है, पर इसी के चलते आपके रिश्ते बिखरते चले जा रहे हैं। अगर दूरियां बन जाएं तो उनको नजदीकियों में बदलना बहुत मुश्किल होता है। फासले बढ़ जाएं तो जिंदगी को वो मायने ही नहीं रह जाते। तो फासले नहीं बनने देने हैं रिश्तों के बीच आपको, और फासला तो हम बनने भी नहीं देंगे। रिश्तों को कैसे सहेजें, उसके लिए हर राशि वाले को हम हर रोज बता रहे हैं कि क्या करें क्या ना करें। तो हमारा और आपका जो ये रिश्ता है, ये भी तो देखिए कितने कम समय में कितना नजदीक आ गया है, किस तरह से अब हमारा आपके बिना और आपका हमारे बिना मन ही नहीं लगता, और दिन की शुरुआत में अगर मुलाकात ना हो आपसे तो कहीं कुछ कमी कुछ अधूरापन सा लगता है।